आज यहाँ पे आए हुए सभी महानुभावों को, सभी साथियों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय शोषित परिषद के जय भगवान जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने इस भवन के उद्घाटन के लिए मुझे आमंत्रित किया और आप सब लोगों के बीच में आने का मुझे मौका दिया, इतना मान सम्मान दिया। इसके लिए मैं जय भगवान जी का और पूरी राष्ट्रीय शोषित परिषद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। राष्ट्रीय शोषित परिषद कई सालों से, 40-45 साल से देश भर में शोषित समाज, दलित समाज के लिए देश के कोने कोने में जाके तरह तरह से उनकी आवाज़ बनी है और उनके लिए काम कर रही है। उन्होंने अभी तक जो कुछ भी काम किए उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ, लेकिन संघर्ष बहुत लंबा है, संघर्ष चलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो भवन का उद्घाटन किया गया, ये भवन एक तरह से इसका एक हेडक्वार्टर बनेगा पूरे दलित समाज के संघर्ष का, पूरे देश के दलित समाज के संघर्ष का ये हेडक्वार्टर बनेगा। और जिस उम्मीद के साथ ये बनाया गया वो सारी उम्मीदें और आशाएं पूरी करेगा। जय भगवान जी के साथ बहुत पुराना संबंध है, जब वो वीपी सिंह जी के साथ होते थे हम उनसे मिलने जाया करते थे, वीपी सिंह जी से भी मिलने जाते थे जब, और उनसे भी, जय भगवान जी से भी अलग से कई बार मिला करते थे, वो कई बार हमें गाइड किया करते थे। तब मैं दिल्ली में सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर एनजीओ के माध्यम से, समाज सेवी संस्था के माध्यम से काम किया करता था। ये इतने ऊंचे पद पे थे, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी के साथ थे, लेकिन कभी भी इनके मन में अहंकार या ऐसा कुछ नहीं था। उन दिनों में हमें कोई नहीं जानता था, हम दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करते थे, लेकिन जितने प्यार और जितने सद्भाव के साथ ये मिलते थे, समय देते थे, उसी से इनके व्यक्तित्व का और उनके बड़प्पन का पता चलता है। तो अभी कुछ दिन पहले सोमनाथ जी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि उनके भवन का उद्घाटन है। मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा जय भगवान जी के भवन के उद्घाटन के लिए। दोस्तों, अभी बहुत सारी बातें कई सारे साथियों ने कही, जय भगवान जी ने भी कई सारी बातें कही। जय भगवान जी ने कहा कि समाज का पूरा प्यार आपके साथ है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि जिस तरह से दलित समाज ने आम आदमी पार्टी को अपनाया है। आम आदमी पार्टी कोई अलग नहीं है, आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, दलितों की पार्टी है, दबे कुचलों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, जिसका कोई नहीं उसकी आम आदमी पार्टी है। और ये कहने को नहीं है, पिछले 5 साल के अंदर जो भी हमने काम किए, अक्सर देखा गया कि 70 साल में इस देश के अंदर दूसरी पार्टियों ने वोट मांगने के टाइम तो आपके पास आते हैं और काम करने के टाइम फिर वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का काम करते हैं। 5 साल उनके पास रहेंगे, 5 साल उनकी गंदगी, उनकी गोद में बैठे रहेंगे और वोट मांगने के टाइम आपके पास आएंगे। हमने ऐसा नहीं किया, हमने 5 साल आप ही के लिए काम किया, आप ही के लिए पहले बाहर संघर्ष करते थे, अब अंदर भी हम संघर्ष कर रहे हैं। तो जो जय भगवान जी ने कहा कि थोड़ा सा प्यार आप हमें भी दो, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ काश मैं अपना दिल चीर के आपके सामने रख सकता। उसमें कोई कमी नहीं है, समस्या 70 साल की है। और अभी राजेंद्र गौतम जी ने जो बताया कि 70 साल की भी नहीं, समस्या 3000 साल की है। 3000 साल की समस्या है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान के तहत बराबरी का हक देने की कोशिश की, उसमें लिख तो दिया लेकिन अभी तक मिला नहीं है। उसके बाद जो उन्होंने बातें रखी, जो सिलसिलेवार राजेंद्र गौतम जी ने बातें रखी, बिल्कुल सही रखी है।
दिल्ली के अंदर 5 साल में हमने जितने काम किए, पहले जब हम सरकार में नहीं आए थे सुंदर नगरी की नंद नगरी की झुग्गियों के अंदर काम किया करते थे। हम सरकार के पास जाते थे, हम कहते थे ये कर दो ये कर दो ये कर दो, सरकार कुछ करती नहीं थी। तो एक तो लगता था कि सरकार की नीयत खराब है, दूसरा लगता था यार बड़ा मुश्किल होता होगा जो ये 70 साल से नहीं कर पाए, जो ये 70 साल से स्कूल नहीं ठीक कर पाए, 70 साल से अस्पताल नहीं ठीक कर पाए, 70 साल से पानी बिजली नहीं ठीक कर पाए, तो बड़ा मुश्किल होता होगा। अब जब 5 साल में आके हमने कर दिया तो अब लगा कि यार इनकी तो नीयत ही खराब थी, हो तो सकता था। और जो अभी राजेंद्र गौतम जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये षड्यंत्र के तहत जानबूझ के 70 साल तक जानबूझ के षड्यंत्र के तहत गरीबों को अनपढ़ रखा गया, इस देश के लोगों को गरीब रखा गया, ये षड्यंत्र था। बिल्कुल सही कहा कि आप उठा के देख लो, मेरे पिताजी इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर रिटायर हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े थे। आज उठा के देख लो जितने आईएएस आईपीएस अफसर जितने मिलेंगे, टॉप के ऊपर जितने अधिकारी मिलेंगे, सारे सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए मिलेंगे आपको। तो एक टाइम ऐसा था जब इस देश में सरकारी स्कूल हुआ करते थे, सारे नेता सारे अफसर सारे उद्योगपति सारे सरकारी स्कूलों से निकलते थे। जानबूझ के धीरे 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 करके सारे सरकारी स्कूलों को एक तो बंद करते जा रहे हैं और उनका भट्ठा बिठाते जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों में ना बिल्डिंग बची है, दूसरे राज्यों में जाके, दिल्ली में भी यही हाल था थोड़े दिन पहले तक। जानबूझ के सरकारी स्कूलों को खराब करा गया और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाते गए ताकि एक तबका जो है दलित तबका जो है वो गरीब का गरीब रह जाए, गरीब का बेटा गरीब रह जाए, दलित का बच्चा दलित रह जाए और अमीरों के बच्चे अमीर बनते जाएं। ये केवल एक सामाजिक वो नहीं है, ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इसके अंदर भी एजेंडा है। हमने 5 साल के अंदर आके, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने कोई बड़ी बहुत बड़ी क्रांति कर दी, 5 साल होते भी कुछ नहीं है, 70 साल का जो इन्होंने कबाड़ा कर रखा था वो सारा कुछ 5 साल में नहीं हो सकता, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आई है, और वो बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों के जमाने में कहा था, अंग्रेजों के जमाने में बाबा साहब अंबेडकर की जो जिंदगी है वो पूरी की पूरी जिंदगी एक तरह से इतना उससे प्रेरणा मिलती है। इतने गरीब परिवार से आते थे, इतने गरीब परिवार से, इतने गरीब परिवार से आने के बावजूद उन्होंने जिंदगी में डबल डॉक्टरेट करी, 2 PhD करी, और वो भी विदेशों से, दोनों PhD। मैं चैलेंज करता हूं आज के टाइम में 1 PhD विदेश से करके दिखा दो, और विदेश से तो क्या अपने देश से ही करके दिखा दो 1 PhD। उस जमाने में उन्होंने 2 PhD इतने गरीब होते हुए स्कॉलरशिप ले लेके, बीच में एक बार तो लंदन से छोड़ के आनी पड़ी थी उनको आधे बीच में जब पैसे की कमी हो गई थी उनको, फिर दोबारा गए जब पैसे का स्कॉलरशिप वगैरह का जुगाड़ हो गया। तो 2 PhD उन्होंने करी और उन्होंने बार बार अपनी जिंदगी में एक ही बात कही, पूरे समाज को उन्होंने एक ही बात कही कि अगर अपने को बराबरी इनके साथ करनी है, बाकी समाज के साथ बराबरी करनी है, अगर अपने को समाज का उत्थान करना है तो उसकी चाबी एक ही है, शिक्षा। उसकी एक ही चाबी है शिक्षा, और उसको हमने पकड़ लिया। आज पूरे दिल से हम लोग मानते हैं कि अगर केवल दलित समाज ने अगर इस देश को आगे अपने को बढ़ाना है और इस देश की तरक्की करनी है, अगर गरीब दबे तो कुचले तबके को बराबरी का अधिकार पूरे समाज के साथ देना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है शिक्षा। अभी मैं 3-4 दिन पहले मैं नंद नगरी गया था, वो मैं नाम भूल गया उनका, कोरोना वॉरियर थे एक जिनके घर गए थे, राजकुमार जी, वो किसी से, के कौन से डिपार्टमेंट में थे, सिक्योरिटी गार्ड थे राजीव गांधी हॉस्पिटल में, दलित समाज के थे। तो उनको 1 करोड़ रुपए की राशि, वो कोरोना हो गया, उनको सिक्योरिटी गार्ड थे राजीव गांधी हॉस्पिटल में, तो आप सबको पता है हमने अपने कोरोना वॉरियर के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि निकाली हुई है कि कोई भी अगर कोरोना वॉरियर अपनी ड्यूटी के दौरान कोरोना की ड्यूटी करते हुए उसको कोरोना हो जाए और उसकी डेथ हो जाए तो हम उसको 1 करोड़ की राशि देते हैं। तो मैं उनके घर गया था, वो सिक्योरिटी गार्ड थे, उसी वजह से उनको कोरोना हो गया, उनकी डेथ हो गई,
तो उनके धर्मपत्नी को मैं 1 करोड़ रुपए का चेक देने गया था, तो उनसे बच्चों से उनके बैठ के बातचीत करने लगा, तो उनकी एक बेटी बोली जी मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ, और उसने कहा कि आपकी अंकल आपने जो जय भीम प्रतिभा मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, हमने एक योजना निकाली है कि हमारे अपने समाज में भी दलित समाज में भी बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनमें बहुत प्रतिभा है, वो पिछड़ क्यों जाते हैं? आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि उनको कोचिंग करने के उनके पास पैसे नहीं होते, हर चीज़ की कोचिंग। मैं भी जब IIT में गया था मैंने भी कोचिंग करी थी, 2-2 इंस्टीट्यूट से मैंने कोचिंग करी थी। मैं कोचिंग नहीं करता तो शायद मेरा IIT में नहीं होता। मेरे दोनों बच्चे IIT में गए हैं, वो भी कोचिंग कर रहे हैं। दलित समाज में गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते। आजकल 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं कोचिंग के, कोई 10-20 हजार रुपए का भी मामला नहीं बचा, 1.5-2। तो हमने एक स्कीम निकाली है, हमने बच्चों को कहा बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला तुम ले लो, पैसे हम दे देंगे, और चाहे देश का जितना भी बड़ा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, कितना भी महंगा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, और हर चीज के कंपटीशन के, चाहे बैंकिंग के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे IAS के हो, चाहे IPS के हो, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम है, आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम देना चाहते हो, दलित समाज के बच्चों के लिए स्कीम निकाली है, आप दो, आपके सारे कोचिंग का पैसा दिल्ली सरकार देगी। तो उसने बच्ची ने बताया जी मैं IAS की परीक्षा दे रही हूँ, और केवल इस वजह से दे पा रही हूँ। बहुत सिक्योरिटी गार्ड थे तो उनका घर भी बड़ा छोटा सा था, उनके पास साधन भी नहीं थे, इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि आपकी ये जय भीम योजना जो आई हुई है, इस योजना की वजह से मेरे हाथ में 2 पैसे आ गए और उस वजह से मैं कोचिंग दे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज दिल्ली के अंदर हमने जो शिक्षा की व्यवस्था कर दी, मैं समझ रहा हूँ कि आप ये समझ रहे हो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या सोच के कहा था कि ये शिक्षा हमें वहां पे ले जा सकती है, उनके साथ बराबरी का अधिकार दे सकती है, इसीलिए कहा था। आज दिल्ली के अंदर जो हमने शिक्षा व्यवस्था बनाई है, 12वीं क्लास तक सब कुछ फ्री है, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए, सरकारी स्कूल कि कई प्राइवेट स्कूलों को मात करते हैं। प्राइवेट स्कूल कितने होंगे दिल्ली के अंदर जिसमें स्विमिंग पूल है? कोई बहुत ज्यादा नहीं है प्राइवेट स्कूल जिनमें स्विमिंग पूल है। हमारे दिल्ली के कई सारे सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल खुल रहे हैं, लिफ्टें लग रही हैं, 2री मंजिल पे 3री मंजिल पे जाने पे लिफ्टें लग रही हैं सरकारी स्कूलों में, ऑडिटोरियम बन रहे हैं, हॉकी टर्फ बन रहे हैं, बड़े बड़े स्टेज वो बन रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएं जो है प्राइवेट स्कूलों में। तो 12वीं क्लास तक तो सारी शिक्षा फ्री, उसके बाद कॉम्पिटिशन के एग्जाम देने हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, आपकी सारी कोचिंग फ्री। उसके बाद अगर आपको कहीं भी BA करनी है, BCOM करनी है, लॉ करनी है, कोई भी आपको डिग्री लेनी है, किसी कॉलेज में दाखिला ले लो, 10 लाख रुपए तक का लोन आपको फ्री, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, कोई गारंटी नहीं देनी, कुछ नहीं देनी, एक फॉर्म भरो, आपको 10 लाख रुपए तक जितने मर्जी पैसे आप मांग लो। तो आपकी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को दिल्ली सरकार ने फ्री कर दिया। ये सपना मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, जिसको कुचलने का काम पिछले 70 साल के अंदर हुआ और जिसको पूरा करने का काम हम लोग शुरू किया है। मुझे लगता है कि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है, आप लोगों के साथ मिलके इस रास्ते को तय करेंगे। अभी हमने एक जल बोर्ड के अंदर एक और एक्सपेरिमेंट किया, अभी तक केवल और केवल सफाई कर्मचारी के तौर पे ही, भाई सफाई कर्मचारी की नौकरी दिला दो सफाई कर्मचारी की, पहली बार हुआ। हमें सीवर की मशीनें लानी थी दिल्ली के अंदर, जो सीवर की सफाई होती है, सीवर की सफाई की, तो हमारे पास एक तो ऑप्शन ये था कि टेंडर कर देते, टेंडर में 3-4 बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाती, उन बड़ी बड़ी कंपनियों को टेंडर मिल जाते। कितनी, 250 मशीन आई है, 200 मशीनें आई हैं। हमने एक नई स्कीम निकाली, हमने कहा हम 200 मशीनें 200 दलित समाज के लोगों से किराए पे लेंगे। अब दलित समाज के लोगों के पास कहां से आए मशीनें, तो हमने एक डिक्की करके एक संस्था है उनसे संपर्क किया, उन्होंने दलित समाज के 200 लोगों को सफाई कर्मचारी की लिस्ट से निकाला,
और उन लोगों को उसने लोन दिया, लोन देके उनको हमने सीवर की मशीनें खरीदवाई, तो वो मालिक बन गए सीवर की मशीनों के, और वो सीवर की मशीनें सरकार ने किराए पे ले ली। तो अब वो जो कल तक सफाई कर्मचारी थे, आज वो बिजनेसमैन बन गए। आज वो एक एक आदमी छः छः एक मशीन के साथ छः लोगों को नौकरी दे रहा है। वही सफाई कर्मचारी जो है वो छः लोगों को नौकरी देने वाला बना, उसके प्रॉफिट उसके पास जा रहे हैं, और नहीं तो कोई बड़ी पूंजीपति आता 200 मशीनें लेके आता और वो उसमें प्रॉफिट कमाता। तो एक तरफ शिक्षा भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ रोजगार का भी, एक बड़ा ये बिजनेस का भी इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, ये लड़ाई बहुत लंबी है, आप सब लोगों के साथ मिलके लड़ेंगे। आज मुझे बेहद खुशी है कि पूरे दिल्ली की सभी क्रीम यहाँ पे आई हुई है, आप लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला। किसी दिन बैठ के चर्चा भी करेंगे जिसमें आप लोगों के भी विचार सुनने को मिलें, आपके आइडियाज सुनने को मिलें कि और क्या क्या किया जा सकता है, ताकि हम अपने इसको संघर्ष को और आगे ले जा सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके शहर आपके बैठन में निरंतर 60 वर्षों से आपके सेवा में नयन सुख ऑप्टिकल। हमारे यहाँ सारे ब्रांडेड चश्मे का एकमात्र शोरूम है, साथ ही आंखों का चेकअप फ्री में कराएं। पाए ब्रांडेड चश्मे उचित दामों में, एकमात्र प्रतिष्ठान जहाँ पाए चश्मे की भरपूर वैरायटी। यहाँ आपको मिलने वाले हैं ब्रांडेड चश्मे, नजर के चश्मे और बेहतरीन फ्रेम की कलेक्शन। अगर आप भी धूप का चश्मा या नजर का चश्मा बनवाना चाहते हैं तो नयन सुख ऑप्टिकल पर जरूर विजिट करें। हमारा पता है कॉलेज रोड बिलौजी बैठन मध्य प्रदेश, और दूसरा है नयन सुख ऑप्टिकल शोरूम शिवाजी कॉम्प्लेक्स बिंद नगर, दुकान नंबर 58। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 07035554088789309। श्री कृष्णा ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। पता है पुरानी मार्केट सिंगरौली, जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9179603939 8109426288। अपने सपनों को जिए खुल के नारायण ऑडियो के साथ, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं ओन स्टूडियो आइटम जैसे माइक, एम्पलीफायर, स्पीकर, साउंड सिस्टम, वायरलेस और भी बहुत कुछ। साथ ही ऑथराइज्ड डीलर ऑफ आहूजा स्टूडियो मास्टर एंड JBL। आज ही हमसे कांटेक्ट करें, हमारा पता है नियर गंगोत्री लॉज सिंगरौली, मोबाइल नंबर 9826822124। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।